पटाया। सो अभी वहाँ से कोई मैंने एक बाइक बुक की है, तो बाइक पे चलेंगे यहाँ से। तो पटाया बहुत अच्छा है यार, डूला डूला बैंकॉक में वो फील नहीं आई, पटाया में उधर की बहुत अच्छी फील आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब खुली खुली सड़कें, लेकिन बैंकॉक में तो यार सिंगल रोड लेन, क्राउडेड एरिया, और यार ये देखो तो मस्त है, मस्त है। नेम आई डोंट नो नेम, लुंग लेन थुआ। आ या लुंग लेन थुआ, या लुंग लेन थुआ। मजा आ रहा है यहाँ पर, पटाया यार सच में गुड है, वेरी बहुत बहुत बढ़िया। या पता जाको यार, पहुंच गए हम अपने होटल में, अभी चेकिंग चल रहा है, अभी देखते हैं। हेलो गाइस, सो मैं आ गया हूँ पटाया बीच पे, और बस मैं अभी जस्ट पटाया आया था अराउंड 4 o'clock, तो अभी फ्रेश होके और नहा के तो मैंने सोचा चलो बीच पे चले जाते हैं। अभी नहाना वहाना बीच पे तो कल करूँगा मैं, क्योंकि अभी थोड़ा मेरी थकावट भी है, और आपको पता ही है कि शरीर मेरा थोड़ा सा वो हो रहा है ना, ठंड लगी मुझे। एक्चुअली वो एसी चिल्ड था बहुत ज़्यादा, वो भी था, मैंने ऊपर से कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। तो ये है हमारी पटाया बीच, तो बहुत ही प्यारा व्यू है, मैं दिखाता हूँ आपको। और पटाया सिटी, 1 2 3 पटाया सिटी। था कि 2-3 किलोमीटर होगा, मैंने डिस्टेंस चेक नहीं किया था, लेकिन अब डिस्टेंस चेक किया तो सिर्फ 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं है, 900 मीटर है, तो बहुत ही पास में है। वाह यार, मन कर रहा है मेरा जाने का पानी में, बट अब क्या मैंने शूज़ पहने हुए और ख़राब हो जाएंगे शूज़ मेरे, तो अब तो मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन बहुत ही प्यारा व्यू है। वाह तो ना यहाँ पर बहुत स्कैम्स हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम जो आपको दिख रहा है यहाँ पर थाईलैंड में, आप सोचते हो वाह नाइस वेरी गुड, पर इतना स्कैम है, और 99% वो इंडियंस को ही फंसाते हैं यहाँ पर, हर चीज़ में स्कैम है। अगर आप यहाँ पर बोट्स लोगे उसमें स्कैम है, अगर आप स्कूटीज़ लोगे उसके उसमें स्कैम्स है, अगर आप होटल लोगे दिखाया कुछ जाएगा, दिया कुछ जाएगा होटल में, तो वो स्कैम, मतलब एवरीथिंग स्कैम से भरा पड़ा है थाईलैंड। वो आपको बच के चलना है, आप कैसे बच के चलोगे? अगर आप प्लान कर रहे होंगे तो आइए, बहुत ही अच्छे। लेकिन मैं अब मैं ये बोलता हूँ कि फर्स्ट जाइए पटाया, फिर जाइए बैंकॉक, और मैंने किया उल्टा, पहले मैं गया बैंकॉक और फिर आया पटाया। कैन आई मेक वीडियो ऑफ डॉग? अभी देखूँ, दिस इज गोल्ड चैन? नो, ओके 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 ओके। सो वाओ, कितना प्यारा कुत्ता है, तो ये इन्होंने लिया हुआ, तो मैंने कहा कि यार मैं वीडियो बना सकता हूँ आपकी, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। वेर यू फ्रॉम? यूएस। यूएस, सो माय ड्रीम कंट्री। और ये अपना डोगी साथ में लाए हैं थाईलैंड में, तो इन्होंने समुंदर में बॉल फेंक दी, तो देख रहे हैं कि डोगी लाएगा कि नहीं लाएगा। लिया है उठा के वहाँ से, वेरी गुड वेरी गुड। इफ यू थ्रो फार ये ही टेक्स, ही ब्रिंग नो फार, ओके वन मोर ट्राई। व्हाट्स योर नेम? Angel? Asia. Asia. Okay. Throw the ball. Whoa. Whoa. No. Par, par. Par. Yeah. No. No.
डोंट बाइट ना. ओके वाओ क्या बात है. सीजर ओनली सिक्स मंथ. What's your name? What's your name? Oh, Camila. Camila? Nice, good name. पूरा मन कर रहा है कि अभी, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत तैरना आता है. मतलब हाँ तैर लेता हूँ मैं, लेकिन ना थोड़ा समुंदर का बहुत टाइम हो गया गए मुझे, तो थोड़ा सा ये लगता है, मुझे थोड़ा सा डर लगता है ज़्यादा नहीं. अभी मेरा मन कर रहा है पूरा जाने. वाओ वाओ दिस इज पताया. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. मैं ड्रेसअप तो टी शर्ट और जींस पहन के आ गया, लेकिन थोड़ा सा ये भी रिस्क रहता है ना मुझे कि अब सोलो ट्रैवलर हूँ, अकेला हूँ, तो उससे बड़ी दिक्कत आती है सोलो ट्रैवलिंग में ना. बैग लेके चलना पड़ता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट साथ में, पासपोर्ट, एवरीथिंग ना. फैमिली हो तो उसमें क्या होता है ना, एक बैग होता है साथ में, एक बैग साथ में कैरी करके चलते रहो, तो एक संभालता रहेगा, एक डुबकी मार के आ गया. तो मैंने शूज़ उतार दिए अपने, मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ जाने का, अब बड़ा मन कर रहा है सीरियसली. मैं सोच रहा था कल आऊँगा, बट लेकिन अब रहा नहीं जा रहा. चल रहा हूँ तो मुझे ना एक शेर याद आ रहा है, और वो भी अधूरा, पर समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ. ठंडा पानी, चिल्ड पानी, मज़ा आ गया सीरियसली, दिल खुश हो गया. मतलब जो मैं तंग हुआ हूँगा कोई दिक्कत नहीं बैंकॉक में जो कर रहा हूँ जैसे भी, लेकिन यहाँ पे आके बहुत सुकून मिला है. देखिए फ्रेंड्स, मेरी तबीयत दोबारा फिर बिगड़ने लगी. एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा है, ये बीच पे गया एक्चुअली ना, आज मुझे लग रहा पटाया इंजॉय कराना ही नहीं. मन तो बहुत कर रहा है घूमूं फिरूं, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही. बॉडी कह रही है कि यार चुपचाप सो जा, खाना खा और सो जा. मैं अभी एक्चुअली ना फ्रूट्स देख रहा हूँ कि फ्रूट मिल जाए मुझे. मैं बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाना चाहता यहाँ पर, नॉन वेज और मैं बिल्कुल नॉर्मल फूड खाना चाहता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हो. वो उसके बाद खाते हैं, खा लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं यार. उसमें मिलावट तो नहीं होगी, साफ़ सुथरे तो होंगे, वो बात है.